स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी रेल यात्रियों के लिए। तो सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखें। फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज के समय में पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है, मतलब जो प्रोसेस हमें ऑफलाइन में पहले मिलता था आज 90% वो चीज़ें हमें ऑनलाइन में मिल रही है। मतलब दोस्तों अब रेल यात्री क्या सोच रहा है या फिर कोई भी ऐसे लोग सोच रहे हैं कि ऑफलाइन में जाने से अच्छा है कि अब हम खुद ही ऑनलाइन मतलब वो चीज़ें करवा लें, भले पैसा लगे तो लगे, हमारा समय भी बचेगा और सेफ भी रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रहा है ऐसे ऐसे फ्रॉडिंग बढ़ते जा रही है। जी हाँ फ्रेंड आज हम दोस्तों ऐसे रेल यात्री की बात करेंगे जो दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाते हैं और बाद में दोस्तों फंस जाते हैं और जर्नी के दौरान पता चलता है कि उनकी टिकट एक्चुअल में बुक ही नहीं हुई है। जी हाँ फ्रेंड तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे रेल यात्री। दोस्तों आज का वीडियो ध्यान से समझिए, कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिलेगा जो दूसरे के थ्रू ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं। दोस्तों कभी भी आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे आप जाएंगे, यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको आप नहीं जानते रहते हैं, जो अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, एकदम लो प्राइस में निकाला जाएगा। नॉर्मल टिकट अगर आपको 4 महीने एडवांस की चाहिए उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मतलब दोस्तों एक हिसाब से मैं आपको बता दूँ जितने डिजिटल है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो हो गया दोस्तों फिजिकल, फिजिकल की बात की दोस्तों जिनको आप आंखों से देख सकते हैं उनके मतलब ऑलरेडी शो ऑफ हैं जिनको आप सामने से देखे हो। एक हो गया दोस्तों डिजिटल जिनको आपने आज तक कभी नहीं देखा, बस खाली उनका वीडियो देखा और उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट किया फिर बात किया। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फ्रॉडिंग हो क्या रही है और इससे आपको बचना कैसे है। तो सबसे पहले मैं सभी रेल यात्रियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन मतलब डिजिटल माध्यम या फिर कहीं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या फिर कहीं पे भी जैसे यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको नंबर मिलता है तो उससे ट्रेन टिकट ना बुक करवाएं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कोई अगर जैसे इस मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जैसे सीजन आ जाता है तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो 700-800 की प्राइस की टिकट रहती है उसकी 1500 के आसपास मतलब तत्काल का रेट चलता है, उतने में सेल किया जाता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन कोई ऑनलाइन आपको बोलता है या फेसबुक के थ्रू आपको मैसेज पता चलता है कि सर मैं आप केवल आप 100 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए, हम आपको एनी रूट का तत्काल टिकट निकाल दे देंगे, नॉर्मल निकाल दे देंगे, तो फिर आपको यही गलती नहीं करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे यूवर्स हैं जिनके साथ ये गलती हो गया है, ये दोस्तों आपके साथ स्कैम हो रहा है। वो आपका 50% पैसा जमा करवा देंगे, उसके बाद दोस्तों किसी और की टिकट किसी और के नाम पकड़ा देंगे और आप कुछ करके कुछ नहीं कर पाओगे। और जो जिस नंबर से आप फ़ोन किए रहोगे उस पर अगर आप केस करोगे, XYZ करोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, उनका पता ठिकाना नहीं रहता है, नंबर इंडिया का रहेगा और रहते कहीं और है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो सभी रेल यात्रियों से मैं हाथ जोड़ के बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी अगर आपको नंबर देता है और बोलता है हम आपको कंफर्म ट्रेन टिकट निकाल के देंगे तो आपकी जवाबदारी है, आपके साथ पूरा पूरा फ्रॉड हो सकता है, चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे रेल यात्रियों के साथ फ्रॉड हो चुका है, इसलिए सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि कोई अगर बोलता है कि 100% तत्काल टिकट निकाल दे दूंगा तो उसके घर की तत्काल टिकट नहीं है, वो अपने हाथ से बना के नहीं दे देगा, एक सिस्टम होता है, एक वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट के माध्यम से सब बुक करते हैं। टिकट में दोस्तों बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती है, एडिटिंग की जाती है, आपको नहीं पता चल पाएगा, आप एडवांस में पैसा दे दोगे आप विश्वास कर लोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों अक्सर ऑनलाइन वाले ही धोखाधड़ी करते हैं। मैं वीडियो बनाना इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि दोस्तों जो आने वाला समय है वो पूरी तरह से सीजन है, जैसे ही 10-15 अप्रैल से स्कूलें बंद हो जाएंगी लोग तत्काल टिकट के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगेंगे, लोग पैसा फेंकेंगे फिर भी उनको कन्फर्म ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा, और ऐसे में दोस्तों जो हमारे फ्रॉड वाले हैं जो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से फ्रॉडिंग करते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे खासकर सीजन में, और ऐसे में आपको बहुत भारी पड़ सकता है, आप कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बता रहा हूँ, ऑनलाइन कहीं से भी आपको नंबर मिले जिसको आप नहीं जानते हो उससे ट्रेन टिकट आपको नहीं करवाना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, वरना 100% चांस आपके साथ फ्रॉड होगा, आपका पैसा डूबेगा, आप कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, पुलिस केस करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों डिजिटल दुनिया है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप जिसको जानते हो, जिससे अभी तक आपने ट्रेन टिकट बुक करवाया हुआ है, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस उससे ही बुक करवाए, दूसरे किसी से भी ना बुक करवाए। खासकर ऑनलाइन, जो ऑनलाइन नंबर हमें मिलते हैं, फिर ऑनलाइन आपको कोई बोलता है या फिर ऑनलाइन बोलता है कि हम आपको 100% दे देंगे, तो केवल और केवल आपकी जेब खाली करने के लिए लगे हुए हैं। आपको 100% तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल कन्फर्म टिकट कभी नहीं देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो इसलिए बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, बहुत सारे रेल यात्री इस फ्रॉड में फंस चुके हैं, और कहीं अप्रैल और मई के सीजन में आप न फंस जाओ, इसलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, यही छोटी सी अपडेट देने वाला था कि आप अप्रैल मई चल रहा है, तत्काल टिकट के लिए यहाँ वहाँ भागोगे ऑनलाइन, क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है ना, आजकल ऑनलाइन कस्टमर पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब दोस्तों क्या, लोगों के पास इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, लोग खुद सर्च मारते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको नंबर दिख जाता है, फिर वो कांटेक्ट करते हैं, पैसा भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनको विश्वास हो जाता है। लेकिन आपको यही विश्वास नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको धोखाधड़ी ना हो, इसके वजह से आपको पहले से ही अलर्ट मोड पे कर दिया जाए। जैसे बुकिंग से पहले आपको बता दिया जाता है कि इस ट्रेन की बुकिंग कल सुबह 8 बजे होने वाली है, वैसे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके वजह से आपको अपडेट बहुत पहले दे दिया जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी हुई है। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और आप अपने अगर कोई दूसरे से ट्रेन टिकट बुक करवा रहा है डिजिटल माध्यम से, तो उससे बचे। दोस्तों मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे रेल एजेंट हो गया, बहुत ऐसे रेल यात्री होंगे जो डिजिटल तरीके से अपना मार्केटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत लोग अच्छे होंगे, बहुत लोग खराब होंगे, बट फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ सजेशन देना चाहूँगा, डिजिटल तरीके से आप बचे। अगर आप पहले से ट्रेन टिकट बुक करवाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अगर नया अनजान व्यक्ति आ रहा है, अनजान नंबर आ रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वो दोस्तों आपका विश्वास जीतने का पूरा कोशिश करेगा 101%, क्योंकि दोस्तों उनका काम ही फ्रॉडिंग करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, उनका काम ही फ्रॉडिंग करना हो। जी एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने भी एजेंट लोग होते हैं उनके व्हाट्सएप से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप से ही ज़्यादा बात हो पाएगी, कॉल वगैरह आप लगाएंगे तो कॉल लगने वाला है नहीं, इसलिए दोस्तों आपको बस अलर्ट मोड पे पहले से कर दिया हूँ ताकि आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप समझाइए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो ना करे।